इनमें से सिर्फ तीन ही लड़ सकते हैं, अपना रनीरिया टारगेरियन का साइरेक्स। सीजन टू पूरा पूरा रुख मोड़ चुका है एमोंड की तरफ भाई साहब, तो उन्हें मिक्सअप ड्रैगन राइडर्स की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत ड्रैगन है ब्लैक्स के पास, 12 से 13 ड्रैगन है। वेल 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 भाई साहब, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 6 के लिए कौन कितना एक्साइटेड है? आई थिंक सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे जो इस यूनिवर्स को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, क्योंकि एपिसोड 6 में भाई बहुत कुछ मिलने वाला है। ड्रैगन बोर मिलने वाला है, जो एपिसोड 4 की लास्ट झलकी थी वो मिलने वाला है। फिलहाल एपिसोड 5 जो अभी निकल के गया भाई साहब, बहुत कुछ उसमें नहीं मिला। यस स्टोरी की बिल्डअप हुई है कि एपिसोड 6 में आखिर मिलने क्या वाला है, यस, लेकिन एपिसोड 5 में जो एंडिंग हुई है भाई, जैकेरिस और क्वीन रेनीरा टारगेरियन की जो कॉन्वर्सेशन हुई है भाई, वो बहुत कुछ आग लगा के गई है। बहुत सारे सवाल करके गई है कि भाई साहब ड्रैगन राइडर्स अब आने वाले हैं, नए नए ड्रैगन राइडर्स, क्योंकि प्योर ब्लड में ना वैलेरियन उनके पास ज्यादा है ना उसके पास टारगेरियन ज्यादा है, तो उन्हें मिक्सअप ड्रैगन राइडर्स की जरूरत पड़ने वाली है। साथ में भाई साहब ये सारे सवाल भी जबरदस्त चल रहे होंगे कि भाई किसके पास कितने ड्रैगन हैं और कितने कौन कौन से ड्रैगन खूंखार है, भाई वागार का तोड़ किसी के पास है या नहीं है, ड्रैगन राइडर्स और कौन कौन से आने वाले हैं। तो अभी बहुत कुछ बाबा बहुत कुछ यहाँ पर अनवील करने वाला हूँ। हाँ, कुछ एक स्पॉयलर्स भी दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल एपिसोड 6 में क्या क्या होने वाला है वही थ्योरी और वही प्रिडिक्शन के बेस पर ही बात करी जाएगी। अब जो है हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 पूरा पूरा रुख मोड़ चुका है एमोंड की तरफ भाई साहब। एमोंड टारगेरियन किस हद तक ब्रूटल वायलेंट एंड किस हद तक इस बंदे को फेस बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का इंटरेस्ट अब यहाँ पर चेंज होने लग गया है भाई। एमोंड के लिए बहुत लोग वेट करने लगे कि ये अगला मूव क्या करने वाला है, क्योंकि बाबा इसके हाथ में अब सत्ता आ चुकी है, किंग्स लैंडिंग की सत्ता आ चुकी है, और अब इसके मन में वो जहर भी घुलने लग गया है कि सत्ता की पावर आखिर क्या होती है, वो लालच जगने लग गया है। यानी एगोन को ये अब हटाना चाहता है और खुद सत्ता पर आना चाहता है, और भाई साहब रिवर लैंड पर अब ये हमला करने वाला है, जिसकी पहली झलक एपिसोड 6 के प्रीव्यू में देखने को मिल गई है भाई। एक बात तो है, ग्रीन्स के पास बाहुबल है, किस बात का, सेना का भाई, सेना इनके पास काफ़ी है, एडवांस सेना है, लेकिन हाँ ब्लैक्स के पास ड्रैगन ज़्यादा है तो उनके पास सेना ज़्यादा नहीं है भाई साहब। ब्लैक्स की अगर बात करूँ तो राइट नाउ 4 ऐसे क्लेम्ड ड्रैगन हैं जिनमें से सिर्फ 3 ही लड़ सकते हैं, अपना रनीरिया टारगेरियन का साइरेक्स एंड बेला टारगेरियन का मून डांसर एंड जैकेरियस टारगेरियन का अपना वर्मैक्स ड्रैगन। लेकिन चौथा की बात करें तो जेफरी टायरेक्स जो बहुत छोटा ड्रैगन है, फिलहाल वो मैदान पर नहीं उतरेगा। लेकिन हाँ दूसरी तरफ ग्रीन्स की बात करें तो भाई साहब ग्रीन्स के पास भी 4 ड्रैगन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैदान में उतरने लायक 2 ड्रैगन है। लेकिन एडवांटेज इनके पास ये है कि पहला तो ये इनके पास फुल जबरदस्त आर्मी है, एक्सपीरियंस्ड आर्मी है, वो आर्मी जो भाई साहब जगह जगह जाकर लड़ चुकी है और जगह जगह जाकर बड़े बड़े युद्ध का मजा ले चुकी है। लेकिन ड्रैगन की भी अगर बात करें तो वागार जैसा उनके पास वेल एक्सपीरियंस मैच्योर ड्रैगन है जो बहुत सी लड़ाई लड़ चुका है, इस बात का एडवांटेज है। देन दूसरी तरफ भाई साहब जो हेलेना टारगेरियन का ड्रीम फायर ड्रैगन है, वो भी वेल मैच्योर्ड है, एडल्ट ड्रैगन है और उसने भी काफी लड़ाइयां लड़ी हैं, तो ये एडवांटेज है। लेकिन भाई साहब ब्लैक्स की बात करें तो ब्लैक्स के पास 2 यंग यानी छोटे ड्रैगन हैं जो शायद अगर मैदान में उतरेंगे तो वागार उन्हें चुटकियों में खत्म कर ही देगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडल्ट ड्रैगन की बात करें तो सिर्फ साइरेक्स है जो अपना क्वीन रेनेरिया टारगेरियन का है। एक और था मैलीच, लेकिन उसे तो वागार पहले ही उड़ा चुका है। बात करें ब्लैक्स के पास जो अनक्लेम्ड ड्रैगन है भाई साहब, बहुत ड्रैगन है ब्लैक्स के पास, 12 से 13 ड्रैगन है। लेकिन अनक्लेम्ड ड्रैगन की अगर बात करें जिनके लिए राइडर सब ढूंढे जाएंगे, वो है सी स्मोक, राइडरलेस है आफ्टर द लेनार वैलेरियन, वर्मिथोर जो राइडरलेस है आफ्टर किंग जहरिस टारगेरियन, एंड सिल्वर विंग जो राइडरलेस है आफ्टर क्वीन एलिसेंट टारगेरियन। लेकिन इसके अलावा भी 3 ऐसे खूंखार हैं मोस्ट क्रूअल ड्रैगन भी इनके पास हैं, जो जिनमें से सिर्फ एक ही उतर गया तो भाई वो सबकी धज्जियां उड़ा के रख देगा, जो अपने राइडर से भी कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, लाइक कैनिबल ड्रैगन, सीप स्टीलर ड्रैगन एंड ग्रे घोस्ट ड्रैगन। भाई इन्होंने ऐसी ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं, जब टारगेरियन का परचम लहरा रहा जा रहा था, जब टारगेरियन को पूरे 7 साम्राज्य में 7 किंगडम्स में अपना परचम लहराना था और सभी को जीतना था, तब इन ड्रैगन्स का इस्तेमाल करा गया था और तब से ये ड्रैगन राइडरलेस हैं। तो ऐसा बियॉन्ड द प्योर ब्लड अगर बात करें तो कौन राइडर हो सकता है, तो भाई वर्मिथोर के लिए एक नाम प्रॉमिस करा जा रहा है, जो एक स्पॉयलर हो सकता है और एक थ्योरी भी हो सकती है जो जिस पे आप यकीन ना ही करो तो अच्छा है। लेकिन हाँ एपिसोड 6 और एपिसोड 7 में अगर ऐसा कुछ हो गया तो अपने आप को ब्लेस कर लेना भाई साहब। ह्यू हैमर द बास्टर्ड ऑफ ब्लैक स्मिथ, जो टारगेरियन का ब्लड ही उस पे है लेकिन नाजायज औलाद है, दैट्स वाई कि इसे
एक ड्रैगन राइडर के रूप में वर्मिथोर ड्रैगन मिलने वाला है। तो भाई ये कितना सच हुआ कितना नहीं, जो वागार के सामने जाके स्टैंड करेगा और वागार को बहुत ज़्यादा डिफेंड करने वाला है, क्योंकि वर्मिथोर वन एंड वन में वागार को फुल टक्कर दे सकता है। ऐसा फायर एंड ब्लड नोवल की बात अगर करें, बुक्स की बात करें, तो वहाँ पर क्लियर एंड कट लिखा पड़ा है। और ये स्पॉइलर जो मैं दे रहा हूँ भाई साहब, ये भी फायर एंड ब्लड के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ कि ह्यू हैमर ड्रैगन राइडर होने वाला है वर्मिथोर का। लेकिन भाई साहब रेना टारगेरियन जो वहाँ से निकल चुकी थी, शायद उसे भी अब दोबारा वापस बुला लिया जाएगा, क्योंकि राइडर की तो जरूरत है ही, एंड रेना टारगेरियन एक प्योर ब्लड है, तो उसे भी एक जबरदस्त ड्रैगन दिया जाएगा। हाँ, ड्रीम फायर उसका ड्रैगन था जो हेलेना टारगेरियन के पास है, लेकिन अब शायद उसे अपना ड्रैगन चेंज करना पड़ जाए। डेमन भी अब शायद टाई अप करते नजर आ रहे हैं भाई साहब। एपिसोड 6 के प्रीव्यू में डेमन और रेनीरिया टारगेरियन आमने सामने देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ वहाँ पर जो हैरन हॉल में विच है, जो चुड़ैल है भाई साहब, वो उसके दिमाग से जबरदस्त लगातार खेल रही है, तो वो अगर उस झांसे से बाहर आ गया भाई, ये समझ में ही नहीं आ रहा है डेमन क्या चूतिया पा कर रहा है भाई। इसे होना चाहिए क्वीन रेनेरिया के साथ में, ताकि एक जबरदस्त वॉर को अंजाम दे सके, क्योंकि एमंड भाई साहब वो फुल रिवरलैंड पर कब्जा करने वाला है, और उसने अपनी आर्मी को बाहर फेंक भी दिया है रिवरलैंड की तरफ कूच करने के लिए। तो भाई रिवरलैंड की अगर बात करें, तो रिवरलैंड पर सिर्फ और सिर्फ डेमन और किंग्स लैंडिंग नहीं होने वाला है, यानी एमंड नहीं होने वाला है, तीसरा ब्लैक्स भी इसमें इंटरफेयर करने वाले हैं भाई साहब। क्वीन रेनेरिया टारगेरियन खुद एपिसोड प्रीव्यू के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ, तो खुद ये बंदी यानी अपनी क्वीन अपने हाथ में कमान ले चुकी है, और साइरेक्स ड्रैगन के ऊपर चढ़कर ये भाई बस वॉर में अपना पार्टिसिपेशन करने ही करने वाली है। तो तीन एस्पेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन भाई टाइप किस किस के बीच में होने वाला है, क्योंकि तीनों आपस में तो लड़ नहीं सकते हैं। तो हो सकता है भाई साहब डेमन और रेनीरिया टारगेरियन यानी ब्लैक्स या आमने सामने एक बार के लिए आ जाएं और एक साथ टाइप हो जाएं, और दोनों टाइप होकर भाई साहब वागार के यानी एमन टारगेरियन के सामने जरूर आने की कोशिश करेंगे। तो बाबा इस जोड़ी के लिए भी जबरदस्त मजा आ जाए, क्योंकि करेक्सिस ड्रैगन और साइरेक्स ड्रैगन एक साथ रहेंगे फुर्तीले क्विकर, देन उसके बाद अलग अपने अपोजिट में अपना वेगार तो देखने को मिलेगा ही, मोस्ट हॉन्टेड एंड क्रूअल ड्रैगन, मोस्ट जाइगेंटिक ड्रैगन, वही मजा तो आने वाला है। कौन कितना एक्साइटेड है एपिसोड 6 के लिए, और बहुत कुछ भाई साहब बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं। ड्रैगन फाइट डांस ऑफ द ड्रैगन सब हमें देखने को मिलने वाला है, वॉर भी देखने को मिलने वाली है, पॉलिटिक्स चेंज होने वाली है भाई साहब, ये चेंज होने वाला है जो अभी तक हम बिलीव बना के चल रहे थे कि ड्रैगन राइड सिर्फ भाई साहब प्योर ब्लड ही कर सकते हैं यानी टारगेरियन और वलेरियन, लेकिन इसके अलावा भी भाई साहब मिक्सअप यानी मैसअप जो ब्लड है वो भी कर सकते हैं भाई। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है भाई इस सीजन में, बहुत कुछ है। एमंड का अलग से हिस्ट्री, एमंड इतना क्रूअल इतना खतरनाक कैसे हो गया एमंड के बेस पर। तो भाई साहब कौन चाहता है कि, अगर आप चाहते हो कि एमंड के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए कि ये इसकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई है और ये कहाँ ख़त्म होने वाली है, किस किस को यह पटकाने वाला है यानी मारने वाला है, तो एक कमेंट उसे जरूर बता के जाना, और भी किन किन फैक्टर्स के बारे में आपको जानना है वो भी जरूर बता के जाना नीचे कमेंट ऑप्शन, उन पर एक वेल डेडिकेटेड रिसर्चड वीडियो बनाई जाएगी डिटेल में। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो उसका वीडियो पसंद आइए, पसंद आए लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एपिसोड 6 के लिए कौन कितना एक्साइटेड है नीचे कमेंट ऑप्शन जरूर बता के जाना। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।